नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रह्मदत्त बड़ौला फ्रॉम उत्तराखंड हल्द्वानी। मेरे साथियों ने कहा, यार तुमने सब कुछ ठीक होने के बाद कैंगन क्यों ज्वाइन किया? तो मुझे लगा मुझे अपनी कैंगन की जर्नी बतानी चाहिए, शायद किसी को कुछ प्रेरणा मिले उससे। तो उससे पहले बताऊंगा मेरी पुरानी जर्नी कि मैंने शुरू कहाँ से किया था। 2010 से मैं स्टार्ट करूंगा। 2010 में मेरी शादी हुई और इत्तेफाक से जब शादी का टाइम था तो शादी के टाइम पे मेरे पास 10,000 रुपये भी नहीं थे। उससे पहले मैं फैक्ट्री ओनर भी रहा था और सब कुछ ट्रेडिशनल, क्योंकि मार्केट है और सब कुछ मेरा डूब गया था। बट जैसे तैसे करके चल रहा था और उसी बीच में 2010 में शादी हो गई। तो शादी के बाद मैं निकल गया 2 RO लेकर के। किसी ने मुझसे कहा था कि RO का काम अच्छा है, अच्छा मार्जिन मिलता है। तो 2 RO निकल मैं अपने नए शहर पिथौरागढ़ निकल गया। लाइफ में पहली बार पिथौरागढ़ गया था, वहाँ से मेरी पहली जर्नी शुरू होती है। और क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, जब मैं पिथौरागढ़ गया तो मुझे वो एक दिन याद है आज भी कि एक RO दिखाने के लिए, क्यों पैसे थे नहीं जेब में, 12 किलोमीटर पैदल चल के गया था RO का डब्बा अपने कंधे पे लेकर के। रुकता था, चलता था और रिजेक्ट होकर निकाल फिर उसी RO को वापस दुकान पर लेकर रखा था। 1,000 रुपये उस दुकान का किराया होता था, जो मेरे लिए बहुत भारी था उस टाइम पे। बट काम करता रहा करता रहा। 7 महीने के अंदर अपनी खुद की बाइक खरीदी, धीरे धीरे प्रोग्रेस की, होम अप्लायंसेज रखने शुरू किए, चिमनी चूल्हे रखने शुरू किए, फिर धीरे धीरे किचन का काम स्टार्ट किया, तो मॉडुलर किचन बनाना शुरू किया और आते आते पिथौरागढ़ शहर में एक अच्छा नाम कर लिया था। पिथौरागढ़ शहर अगर बात करूँ तो अभी भी वन ऑफ द बेस्ट हमारा शोरूम है वहाँ पर, कुछ लग्जरी शोरूम में हमारा शोरूम आता है। बट एक्चुअल में 2016 में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। 2016 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और खाई में कार गिर गई। जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में सवाल आ रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया होता तो मेरे बच्चे क्या करते, क्या मेरे बच्चे उस शोरूम को देख सकते थे? और वो सवाल मेरे को बहुत लंबे समय तक झकझोरता रहा। और तभी 2016 एंड पे मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे इन्वाइट किया एक कंपनी की मीटिंग के लिए, जिसे हम लोग जानते हैं सो कॉल्ड भी नहीं कहूँगा, गलत शब्द हो जाएगा, एक बहुत अच्छी कंपनी जिसने मेरी लाइफ चेंज की। और पहली बार जब मैं वहाँ गया, एक गगन जोशी जी हैं, उनके मैंने पहली बार उनको सुना। वो थे एक अच्छी पोजीशन पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो उन्होंने उस दिन अनाउंस किया था कि बहुत जल्दी मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, इस नौकरी को अगले 3 महीने के बाद मैं छोड़ दूंगा। तो मेरे मन में आया कि यार एक गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी नौकरी छोड़ रहा है, हाउ इज इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो वो जो क्यूरियोसिटी थी वो मेरे दिमाग में बहुत बहुत गहरी पड़ गई। मुझे लगा यार कुछ तो है इसमें। तो वहाँ से तब मुझे पता लगा था कि पैसिव इनकम नाम की भी कोई चीज़ होती है, जिसे मैं एक्चुअली में ढूंढ रहा था पिछले 1-1.5 साल से। तो होते होते लगभग 3-3.5 साल मेरा उस पर निकला। बहुत अच्छा मेरा सफ़र रहा, बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए वहाँ से मिला, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मुझे मिले। तो बट वो कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म पे मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया। अब रीजंस पता नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, बट कंपनी आज भी रन कर रही है और कई लंबे समय से कर रही थी, बट मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। तो तभी मुझे लगा कि यार ये चीज़ें मेरे लिए शायद नहीं काम कर रही है कुछ भी। बट प्रकृति ना हमेशा आपको कहीं से कहीं तक लेके जाती है, आपको उसके साथ चलना पड़ता है। और उसी समय मेरी लाइफ में कैंगन आया। कैंगन मुझे एक ऐसे सेक्शन में दिया था जिसको मैं पहले कभी जानता नहीं था। डीपी पंत जी, हिमांशु भैया थे, हिमांशु पंत, उन्होंने और मैंने लगभग अच्छा पैसा, अच्छा मतलब आप सोचो 80-90 लाख रुपये हमने बिटकॉइन में डुबाए थे। बट वो मुझे एक बार उन्होंने एडवाइस की थी इस मशीन के लिए, तो मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं था। बट 2018 में उन्होंने मुझे फ़ोन पे से इंट्रोड्यूस किया था और मैंने कहा चलो ठीक है देखेंगे। बट 2019 में जब उन्होंने मुझे पिथौरागढ़ आकर के, वो हिमांशु भैया थे, बीपी पंत जी थे और संतोष कश्मीरा जी थे, ये जब पहुँचे तो इन्होंने, जब मैंने उसको उस पानी को देखा तो मैं सरप्राइज था कि यार पानी ऐसे कैसे कर सकता है। वो मेरे लिए सरप्राइज था कि मैं, मुझे लगता था यार पानी के मेरे को बहुत नॉलेज है क्योंकि मेरा RO का काम था, बट मैं ज़ीरो था सच बताऊं तो पानी के मामले में। और उसी टाइम पे सब कुछ चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। तब उन्होंने दिखाया था, एक्चुअल मेरे फादर को काफ़ी ज़्यादा इशू थे, हेल्थ इशू थे, तो मेरा था कि यार मैं उनके लिए मशीन परचेस करूँगा ताकि वो स्वस्थ रहें। और मुझे भी एक समस्या थी, मेरे एसिड रिफ्लेक्ट होता था बहुत ज़्यादा, तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि यार बहुत बार एसिड रिफ्लेक्ट होने से कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो घाव है वो अंदर घाव पड़ जाते हैं। तो वो एक अलग दिमाग में टेंशन चलती थी कि यार आखिर ये सब
कि रिकवरी होगी कैसे, आप हाँ और ना का फैसला कर सकते हैं इंस्टेंट, तो आप कभी जीवन में फेल नहीं होंगे। तो मेरे पास केवल दो ऑप्शन रहते हैं, या हाँ या ना, अदरवाइज में नहीं करता। उस कंपनी के लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन था, हाँ या ना, और मैंने सेम डे उसको ज्वाइन किया था। और जब इसको मैंने देखा, मेरे को सवाल थे, मेरा पहला सवाल था कि पिथौरागढ़ में कितनी मशीनें लगी हैं, क्योंकि कोई भी आदमी तब मशीन लगाएगा जब उसने कुछ मशीनें देखी होंगी, और इत्तफाक से एक भी मशीन पिथौरागढ़ पे नहीं लगी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैंने जब उनसे पूछा कि सर इंडिया में कितनी मशीन लगी हैं, तो उनका सर लगभग 35,000 के आसपास की मशीनें जा चुकी हैं। मैंने कहा वेल, तो 35,000 लोग बेवकूफ़ नहीं हो सकते। फिर मैंने पूछा सर 35,000 मशीनें लगी कितने समय में, तो 35,000 मशीनें लगी थी तीन साल के टाइम पे। उस समय 3 साल पूरे लगभग हुए नहीं थे, फेब में 3 साल पूरे होने थे, और ये थी अक्टूबर की बात। वेल एंड गुड। फिर मेरा उनसे सवाल था सर ये कितने देशों में काम कर रही है, तो 176 देशों में ये मशीन जाती है। तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया, और मेरा लास्ट सवाल था सर इस मशीन को कितना टाइम हो गया। तब उन्होंने मुझे बताया इस मशीन को अभी 46 ईयर्स हो चुके हैं, 46 साल पुरानी कंपनी। तो फिर तो कुछ ना कहने का मतलब ही नहीं था, एक इतनी पुरानी कंपनी का हाथ पकड़ के मैं चलने को तैयार था। एंड नेक्स्ट डे मैंने उसका पेमेंट कर दिया। मैंने कहा सर हाँ और ना के बीच का जो डिफरेंस है वो मुझे पता है, आप ये मेरा पेमेंट पकड़िए और मुझे मशीन चाहिए। 1 नवंबर को मेरे पास मशीन आई, मैंने कुछ दोस्तों से बात की, एंड उसी बीच में मेरी कुछ मशीनें, क्योंकि होता क्या ना, आप जिस चीज़ को प्रमोट करते हैं वो चीज़ जाती है। हम डरते हैं कि लोग लेंगे या नहीं लेंगे। हर परिवार, कोई मुझे ऐसा परिवार बताइए जिस परिवार में समस्याएं ना हो, हेल्थ इशू ना हो, फाइनेंशियल इशू ना हो। आज हेल्थ से ज़्यादा वेल्थ चैलेंज बहुत बड़ा हो गया है, लोग बीमारी से कम मरते हैं, पैसे ना होने की वजह से ज़्यादा मरते हैं। तो बहरहाल वो फिर सिलसिला चलता रहा। अब उसी बीच में जस्ट जब मैं इस बीच में टाइम पीरियड चल रहा था जो मैंने पेमेंट की थी उसके लिए बहुत बहुत मुश्किलों से मैंने पेमेंट इकट्ठा की थी, बिकॉज ऑफ उसी टाइम पे मेरे शोरूम का काम चला हुआ था, मेरा बार और रेस्टोरेंट उसके हम लोगों ने किराए पे लिया था, तो हम लोग उसको रिनोवेट कर रहे थे, तो अच्छा खासा पैसा वहाँ गया। बट उसके बाद भी जब आपको कुछ करना होता तो पैसे का इंतज़ाम हो जाता है अगर आप चाहें तो मैंने पेमेंट का इंतज़ाम करके मैंने स्टार्ट कर दिया अपना काम। और धीरे 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 मैं उस पर लगा रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना एंगेज रहता था, सुबह 8:30 बजे जाना और रात के 1 बजे घर आना, क्योंकि 9-5 बजे तक मुझे शोरूम देखना होता था, 8-9 बजे तक मुझे रेस्टोरेंट देखना होता था, और 9 से लेकर 12-1 बजे तक का मुझे बार भी देखना होता था मेरे दोस्त के साथ। तो उसी बीच में क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से फ्री होना है, मेरे को खुद के अंदर कुंठा होने लगी थी, क्या मेरा पूरा जीवन इस तरह से चले जाएगा, क्या एक छोटे से शहर पिथौरागढ़ के अंदर ही मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, क्या ये एक कुर्सी जिस पे मैं बैठ करके हिसाब किताब करता हूँ पूरी ज़िंदगी मेरी इस पे निकल जाएगी। तो मैं वो चीज़ से लेकर के बड़ा डिप्रेस था। और मजे की कहानी, मैंने कभी ऐसा लिखा था कि जब 40 साल की, और ये मजाक में लिखा था सच बताऊँ आपको, कि 40 साल की उम्र में मैं रिटायर हो जाऊँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। और मजे की कहानी थी, 1 साल 2 साल ऐसे समय बीतता रहा, और जब कभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक दिन मैं ममता से कह भी रहा था, जब वो डायरी मेरे हाथ लगी थी, मैंने कहा ममता देखिए यार मैंने इसमें लिखा था कि 40 साल की उम्र में मैं फ्री हो जाऊँगा और हम सब साथ रहेंगे, तो जैसे मैं पहले समय नहीं दे पाता था अपने बच्चों को। तो आपको ना सब कुछ मिलता है, कुदरत आपको सब कुछ देती है, आप सोचिए तो सही। तो फिर उन लोगों ने मुझसे कहा यार कैंगन ही क्यों, बात करूँ कैंगन ने मुझे क्या दिया। तो इस एक बात से आप समझ सकते हैं, या तो मैं पागल हूँ या मुझे कैंगन ने उस सबसे ज़्यादा दिया है या दे रही है जो मैं करता था। फाइनेंशियल भी फ्रीडम मिली है, टाइम फ्रीडम मुझे मिला है, और मुझे मेरा फ्यूचर सिक्योर होता हुआ दिख रहा है जो वहाँ नहीं दिख रहा था। अगर मैं मेरे बच्चों की बात करूँ तो मेरी, अगर सिंगली बात करें तो वो अमाउंट मेरे बच्चों तक को आज आएगा आ रहा है जो शायद एक अच्छी खासी जॉब वाला आदमी भी अर्न नहीं कर रहा होगा। तो इससे ज़्यादा मैं अगर कैंगन को और क्या आगे डिस्क्राइब करूँ। और ये आता रहेगा क्योंकि लोग पानी कभी पीना बंद नहीं करेंगे, और अभी तो केवल 2.5 लाख मशीन लगी है। आप सोच के देखिए, आज जब 2015 में यहाँ पर इंडिया में कुछ लोग आए थे इसको स्टार्ट करने के लिए, तो पूरे महीने में लगभग, अगर मैं सही हूँ तो 265 के आसपास मशीनें गई थी पूरे साल भर में। और अगर आज बात करूँ
एक दिन में 250 से 300 मशीनों की सेल है, और ये केवल 7 साल के अंदर है, जब ये लोग कहेंगे इनको थोड़ा बहुत जानते हैं। आप सोचिए आज से आने वाले 5 साल बाद क्या होगा, अगर आप इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो क्या मशीनें बिकना बंद हो जाएंगी, बट मैं इसका हिस्सा बना तो मेरे परिवार में सुख शांति आई है। तो कंगन एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, मुझे आप एक बार सोच के बताइए, क्या आपके पास कोई ऐसा सिंगल वन प्रोडक्ट है जो आपके पूरे परिवार को ठीक करने की जिम्मेदारी लेता हो। मेरा 8 साल का बेटा भी इसे पीता है, मेरा 12 साल का बेटा भी इसे पीता है, मेरे 71 साल के पिताजी भी इसे पीते हैं, और किसी को मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि इसे कैसे पिया जाता है, केवल पानी है और मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है। और अगर फाइनेंस की बात करूं तो केवल लोगों की हेल्प करना मेरा मकसद था, और दुनिया का मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं दिखा जिसे मैं लोगों को फ्री में दे सकूं यूज़ करने के लिए। चाह करके भी हम कितने भी अमीर हों तब भी लगातार किसी को फ्री में प्रोडक्ट नहीं दे सकते, पर इस प्रोडक्ट में वो दम था कि मैं लोगों को, कई सारे लोग को आज भी मेरे घर से लोग पानी लेके जाते हैं। तो कारवां सर चलता रहा, है नहीं? और अगर मैं आज बात करूं, सच सच बताऊं, तो जो मेरी अपनी एक और प्रॉब्लम थी जिसको मैं अपने लोग मुझे कहते हैं, यार आपको इसमें आगे क्या दिखता है, चलो अभी तो सब कुछ ठीक है बट फ्यूचर क्या है इसका। अगर मैं आगे फ्यूचर की बात करूं तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ना डर थी अपने बच्चों को लेकर के। देखिए हम सब लोग बच्चों को लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ देते हैं, अच्छा कल्चर देते हैं, अच्छी सोसाइटी देते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे अच्छे से अच्छा बने, और लास्ट में हम फिर क्या करते हैं, हमको बहुत अच्छा पढ़ाने के बाद नौकरी में भेज देते हैं। असल में हकीकत बताऊं, जब मैं लोग अच्छा पढ़ा के डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो मैं सच कहूँ मैं डरता हूँ सर। मैं डरता इसलिए हूँ क्योंकि मैंने लोगों को बुढ़ापे में अकेले मरते हुए देखा है। लोगों के लिए शायद ये बहुत गर्व की बात हो कि उनके बेटे बहुत अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, बट कभी आप उनके घरों में झांक करके देखिए कितने अकेले हैं। वो डर, क्योंकि जिस उम्र में मैं हूँ, मेरे पास दो दो बच्चे हैं, तो उसको मैं फील कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा यार अगर ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम करेगा तो मेरे बच्चों का फ्यूचर भी तो सिक्योर करेगा। और आज मेरे पास खुद के पास 4 मशीनें हैं, उसमें से जो 2 मशीनें हैं, एक मेरे बड़े बेटे के लिए, एक मेरे छोटे बेटे के लिए, उसकी दादी, उसके दादाजी और उस मेरी घरवाली के नाम पे हमने ली हुई है मशीनें। जिस दिन ये 18 साल का होगा उस दिन ये बिजनेस उसको ट्रांसफर हो जाएगा एज पर कंपनी लॉ। अब आप सोचिए कि आने वाले फ्यूचर में तब तक कितनी मशीनें लग चुकी होंगी उसके, उसका बिजनेस कहाँ जाएगा। आज हमारे सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है, हमारे जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर कहाँ जा रहा है हमें खुद को नहीं पता। आगे पूरा धुंधलापन है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, आज है कल है परसों है या नहीं कुछ पता नहीं, जॉब अधर पे लटकी है। बट पानी जब तक लोग पीते रहेंगे तब तक, जब तक लोग बीमार होते रहेंगे तब तक ये पानी हमारा चलता रहेगा, जब तक लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते रहेंगे तब तक मेरा पानी चलता रहेगा, मेरी मशीन चलती रहेगी सर। तो ये ओवरऑल मुझे लगा कि एक मतलब पूरा पैकेज है अपने में, आपको फ्री करने का, आपके बच्चों को सिक्योर करने का, आपके परिवार को हेल्दी रखने का, आपको एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बनाने का। हर एक आदमी के मन में होता है कि यार वो कुछ अच्छे काम करे, पानी बांटने से बड़ा पुण्य का काम क्या है जो कुदरत ने मुझे दिया है, और इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं। लोग आते हैं और पानी देता हूँ, बिकॉज ऑफ मेरी मशीन की कभी भी सर्विसिंग नहीं होती है, इसकी केवल इजी क्लीनिंग होती है जो मेरा बेटा कर लेता है 12 साल का, जब 10 साल का था तब से कर रहा है, बहुत इजी है। तो सर चॉइस आपके पास है, और फिलहाल मैं ढूंढ रहा हूँ अपने लिए पार्टनर्स, एक अच्छी टीम बना करके हम पूरे दुनिया में, दुनिया के 176 कंट्री में काम करना चाहते हैं। तो आप मेरा साथ ले सकते हैं और आगे हम बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सर, होप जिस तरह से मैं अपने बच्चों को लेके आज चिंता मुक्त हूँ। क्यों चिंता मुक्त हूँ? क्योंकि मुझे पता है जब वो इस प्रोडक्ट को लेकर के किसी के पास जाएगा तो आम इंसान नहीं होगा, वो हो सकता है गरीब हो बट मन से गरीब नहीं होगा। क्योंकि अपने परिवार की चिंता करने के लिए अगर वो 3 लाख का प्रोडक्ट लेने के बारे में सोचेगा तो उसकी सोच अच्छी होगी, और मेरा बच्चा अच्छी सोच के लोगों के साथ बैठा हुआ मिलेगा, वो मार्केट में भटक नहीं रहा होगा, बुरी सोबत में नहीं जाएगा। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सर, इतने प्लस पॉइंट है मैं गिना नहीं सकता। तो यही, इसी के साथ फिर मुझे कैंगन लगा और मुझे लगा यार ये वर्थ है, जब काम करना ही है तो एक बार काम करें।
और सर एक सवाल मेरा उन लोगों से जो आज नौकरी कर रहे हैं, क्या कभी आपने बिजनेस के बारे में सोचा है? क्या आपने सोचा कि अगर इतनी मेहनत हम खुद के लिए करें, आप बार बार आठ आठ बार बार घंटा काम करते हैं किसी और के लिए, अगर इसमें से कुछ घंटे आप अपने लिए भी काम करें तो आप कहाँ पहुंच सकते हैं? ऐसे सारे लोगों के लिए मेरा वेलकम है। केवल 3 लाख से अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है, आपका परिवार हेल्दी होगा और आपको सपोर्ट के लिए पूरी हमारी टीम मिलेगी, तो आइए मिल करके एक बड़ी जल क्रांति लेके आते हैं।